हेलो दोस्तों, मैं आज आपको 9082 सैमसंग के मोबाइल के अंदर जो बैटरी डिस्कनेक्टिंग की प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन आज मैं आपको बताऊंगा। एक बार देखो क्या लोगो शो करता है और किस प्रॉब्लम होती है, किस टाइप की होती है, ये सिग्नल बताएगा बैटरी के अंदर, बैटरी डिस्कनेक्टिंग का सिस्टम। ये सैमसंग 9082 ग्रांड 2 की पीसीपी है। ये इसका चार्जिंग सॉकेट है, ये चार्जिंग आईसी है, ये बैटरी कनेक्टर है। तो पहले इसको बैटरी कनेक्टर को चेक कर लेते और फिर चार्जिंग सॉकेट को भी चेक कर लेते और लास्ट पॉइंट है वो चार्जिंग आईसी। चलो देखते हैं एक बार। पहले ही जो बैटरी कनेक्टर है उसकी सप्लाई चेक कर लेते। ये ग्राउंड पॉइंट है और ये प्लस पॉइंट है जिसके अंदर कोई शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है। नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है, कंटिन्यूटी ओके है। यहाँ से ये तो चलो, ये पॉइंट तो 99% तो इस पॉइंट की प्रॉब्लम आती है, जो सेंटर जो बीच वाला ग्राउंड पॉइंट आता है इसका। ये ओके आ रही है सप्लाई, जो बीप का बज रहा है ना। इसको नॉर्मल रिसोल्डरिंग कर लेते हैं। इसको सोल्डरिंग करने के बाद सोल्डरिंग ऐसा व्यवस्थित सोल्डरिंग हो कि क्लियरली हो, पूरा अब आप इसको चार्जिंग सॉकेट एक बार चेंज कर लेते हैं। मैंने पीसीपी रख ली इस पे। तो दोस्तों, अपने चार्जिंग सॉकेट भी लगा लिया है और अभी चेक करेंगे इसको कि अभी बैटरी डिस्कनेक्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं तो फिर आईसी चेक करेंगे इसको। दोस्तों, ये बैटरी डिस्कनेक्टिंग की प्रॉब्लम आती है, ये कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि किसी मोबाइल के अंदर नाम ही लिखा आएगा बैटरी डिस्कनेक्टिंग। ओनली फॉर बैटरी का एक लोगो जो चार्ज होती है वहाँ एक क्वेश्चन मार्क आएगा और मोबाइल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। चलो इसको चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं।
इसके अंदर पहले प्रॉब्लम थी, तब चार्जिंग लगाते थे ना तो डायरेक्टली बैटरी का लोगो आके वो बंद हो जाता था सेट पूरा। अब चेक करते इसको, तो दोस्तों ये ओके हो गया है। यहाँ पे अभी चार्जिंग शो कर रहा था, उस टाइम बैटरी कुछ नहीं बता रहे थे और ओनली फॉर एक क्वेश्चन मार्क था जब चार्जिंग लगाते थे और ऑटोमेटिकली सेट बंद हो रहा था, तभी ओके हो गया। ओके थैंक यू। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे शेयर करते रहिए और आगे नए नए वीडियो और अपलोड करता रहूँगा, और आप देखते रहिए।